पीसीसी चीफ दीपक बैज के पीएम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं वाले बयान को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मानसिक स्थिति तो विपक्षी दलों की खराब हो गई है, गैर वाजिब मुद्दों को जनता के बीच ला रहे हैं, यही बताता है कि कांग्रेस की मानसिक स्थिति खराब है। मानसिक स्थिति तो विपक्षी दलों की खराब हुई है 6 चरण के मतदान के बाद, और इसलिए जो गैर वाजिब मुद्दे हैं वो लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का जिस प्रकार से रुख रहा है ये बताता है कि मानसिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी है। तो वही मुख्यमंत्री साय के समक्ष विजन डॉक्यूमेंट पेश करने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि 2047 का विजन प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है और आने वाले समय में योजनाओं को ध्यान में रखते हुए विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे और सभी विभागों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर काम करने की बातचीत हुई है और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 2047 का विजन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखा है, हमारी सरकार भी आने वाले समय के योजनाओं को ध्यान में रखकर उस तरह से सभी विभागों के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर काम करने की बातचीत हुई है और निश्चित रूप से एक विजन के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसकी योजना बनाकर काम करने की शुरुआत हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है। नक्सलवाद को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में नक्सलियों को पाला पोसा है, अब कार्रवाई हो रही है तो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, जनता सब देख रही है, इसलिए कांग्रेस हाशिए पर जा रही है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में जब से सत्ता से बाहर हुई है हर बात पर प्रश्न चिन्ह उठाना कांग्रेस की आदत बन गई है। नक्सलवाद पर जो प्रश्न चिन्ह उठाया वो बेनकाब हुए हैं और बेमेतरा जिला के जो बारूद फैक्ट्री की दुर्भाग्यजनक घटना हुई है उस पर भी राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कल उनका जांच दल घटना स्थल पर गया था, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया उन्हें और सरकार उस घटना को लेकर गंभीर है, राहत और बचाव काम लगातार जारी है। सेना की विशेषज्ञ टीम से भी हम उसके लिए मदद ले रहे हैं और सरकार उस दुर्भाग्यजनक घटना के राहत और बचाव काम में पूरी तरह से लगी हुई है।